to answer this question first. Based on whatever you have understood till now, you tell कि अगर ऐसा है twins में कि एक को अगर कुछ तकलीफ होता है तो दूसरे को भी सहन होता है क्या, या बिहेवियर में जैसे जुड़वा मूवी में दिखाया, इसने बॉल फेंका तो उसने भी बॉल फेंक दिया. हाँ, do you think biologically is it possible? में हो सकता है ना, मतलब same. मोनोजाइगोटिक में जेनेटिक मटेरियल इज द सेम, मिरेकल भी हो सकता है ना. See, genetic material जो है वो सेम है. Okay, so their behavioral ऐसे नहीं होगा ना, सिमिलर उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो सिमिलर होगा, बट एक ही टाइम पे दोनों सेम चीज करेंगे ये कैसे पॉसिबल है? उनके बीच में कोई ब्लूटूथ कनेक्शन तो नहीं है ना. उनका अभी हंसना बोलना खाना पीना ओके ये सब का स्टाइल सेम हो सकते हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट बीइंग्स एक्चुअली. तो अभी एक ही टाइम पे जैसे इसने बॉल उठा के फेंका तो उसके हाथ में कुछ रहेगा वो भी फेंक देगा. नहीं होगा ना. देन इट वुड हैव बीन सो डिजास्ट्रस कि दूसरे इंसान के हाथ में सपोज कोई किसी का बच्चा रहेगा तो देन व्हाट कैन हैपन. तो ऐसा कनेक्शन नहीं रहता उनके बीच में. ओके, देयर टेंडेंसीज विल बी वेरी सेम बट दे मे नॉट बिहेव सिमिलर एट द सेम टाइम. बाकी लोग क्या बोलते हैं, व्हाट आर योर ओपिनियंस, बोलो. सर दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन डेवलपमेंट एक्चुअली. इसमें टेक्नोलॉजी क्या? सर न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो टेलीपोर्टेशन. सी, ऐसा है कि दो लोगों के बीच में कनेक्शन होता है एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन वेव्स. ठीक है, ब्रेन वेव्स होते हैं कि एक इंसान क्या सोच रहा है वो दूसरा इंसान उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं. दैट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. बट नेचुरली ट्विन्स के बीच में इस तरह का कनेक्शन होना इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, एंड एट द सेम टाइम अभी अगर ऐसा रहा तो देन टू पीपल विल कंटिन्यूअसली कीप डूइंग द सेम थिंग थ्रू आउट ना, तो उनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा देन. गेटिंग इट? ऐसा नहीं होता है. ठीक है, दे विल गेट द सेम फीलिंग्स, मतलब इमोशनली ऑल्सो दे विल बी वेरी मच कनेक्टेड, बॉन्डिंग विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन देम. ओके, बट ऐसा कनेक्शन नहीं होगा उनके बीच में कि एक कुछ कर रहा है दूसरा भी वही कर रहा है जैसा. फिर तो सोचो लाइफ में क्या क्या चीज करते हैं, यू कैन इमेजिन फॉर योर सेल्फ. ओके, या फाइन. या बोलो. जो पेपर था उस दिन का, उसमें क्वेश्चन 5 जो था न्यूट्रिएंट्स वाला, वो डिस्कस करो ना. ओके, आर यू हैविंग द पेपर विद यू राइट नाउ? हाँ, ठीक है, बोलो क्वेश्चन. मैं एक एक लास्ट वन 5-1. हाँ, ठीक है, बोलो. पहला सनफ्लावर ऑयल. सनफ्लावर ऑयल, बोलो क्या आंसर है. फैट्स. यस, दैट इज फैट्स और लिपिड्स. लिपिड्स, फैट्स एंड विटामिन्स दोनों चलेंगे ना. मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आएगा ना. वन सेकंड, मैंने पूछा था कि कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट है करके. तो मेजर न्यूट्रिएंट इज फैट्स. सो इफ यू हैव रिटन फैट्स एंड विटामिन्स दैट विल बी कंसीडर्ड, नो प्रॉब्लम. ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिखेंगे तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज़ उसमें मेजर कंपोनेंट इज फैट्स. फैट्स या लिपिड्स एनी वन ऑफ देम इज द आंसर. सो एप्पल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों रहता है ना, बट मेजर इज कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स है ना उसमें. सुक्रोज एंड फ्रक्टोज शुगर्स आर देयर, तो कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट वन बता. सर मैं एक एक पढ़ती हूँ, आप लाइन वाइज बताओ ना. ठीक है, ठीक है, ओके, बोलो. पहला हो गया सनफ्लावर ऑयल, सेकंड व्हीट ग्रेन. व्हीट ग्रेन, इट इज स्टार्च. व्हीट ग्रेन स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट्स आंसर. हाँ, न्यूट्रिएंट का नाम लिखना है तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा. पल्सेस. पल्सेस में प्रोटीन्स. हाँ, एप्पल. एप्पल. एप्पल्स में कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर मच मोर इन अमाउंट. ओके, तो इसलिए पहले क्योंकि इसमें शुगर होता है ना. यस, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट. मशरूम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है, मशरूम्स को इसीलिए वेजिटेरियंस मीट करके बोला जाता है बिकॉज नॉन वेजिटेरियन पीपल गेट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेनली फ्रॉम द मीट दैट दे ईट, जो वेजिटेरियंस को नहीं मिलते. ओके, सो वेजिटेरियंस को उनका सप्लीमेंट के लिए मशरूम को सजेस्ट किया जाता है कि यू कैन गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन. और एक सर, बोलो. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ्लो चार्ट था, उसमें टेक्स्ट बुक का जो है उसमें
अदर माइक्रोब्स करके एक बॉक्स है और उसके नीचे विनेगर है, तो वो भी लिखना था या नहीं लिखना था? हाँ पूरा लिखना था, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया था सब। हाँ दैट्स व्हाई आई गिव दैट क्वेश्चन कि टेक्स्ट बुक का भी तुम लोग को कहीं हद तक फॉलो करना है। एंड मेनी थिंग्स व्हाट हैपेंड इज दैट मैंने थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन दिखाया रहेगा इन माय पीपीटी एंड ऑल, तो मे बी वो ज्यादा अपीलिंग लगा रहेगा। इन द फर्स्ट लेसन ऑल्सो आई सॉ दैट जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला तुम लोगों ने ड्रॉ किया है वो मेरे ही कार्टून्स बनाया तुम लोगों ने। ओके सो इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड मेरा भी ये मानना है कि जो कन्वीनियंट है जो करेक्ट है वो फॉलो कर सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे मार्क्स किस क्राइटेरिया पे देते हैं वो ज्यादा ध्यान में रखना है। सो वॉट एवर डायग्राम्स फ्लोचार्ट्स एनीथिंग विच इज देयर यू फॉलो द टेक्स्ट बुक, उसके अलावा अपना कुछ मत बनाओ। सर और एक बोलो, इसमें क्वेश्चन है इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? यस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का क्या था गिव रीजन? हां तो कैन एनीवन टेल दैट आंसर क्या था? मैं बता रहा हूं ना, पहले मैंने तो वो स्किप कर दिया, एनी फाइल लिखने थे ना। ओके एनी आंसर एनीवन, पहले सब लोग वीडियो पे आ जाओ, आई एम नॉट एबल टू सी एवरीवन। बोलो रॉ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्यों खाना चाहिए? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रफेज, डायट्री फाइबर्स करके बोलते हैं, पता है? सर ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन होते हैं ना? हाँ, तो रहते ही हैं विटामिन एंड ऑल आर ऑलवेज देयर, बट उसके साथ साथ मेजर रीजन है कि दे प्रोवाइड्स यू द रफेज और द डायट्री फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट गेट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली बट दे पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल हेल्पिंग इट टू क्लीन अप द सिस्टम। ग्रीन वेजिटेबल्स खाए तो डिसीज नहीं होते ना, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर आल्सो, तो वो भी रीजन हो सकता है, वो भी रीजन है, बट मेजर रीजन रफेज और डायट्री फाइबर्स आना चाहिए। आंसर में रफेज और डायट्री फाइबर्स आना जरूरी है, ठीक है? दैट इज द मेन रीजन। इसलिए नॉट ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इवन नॉर्मल अपने डाइट में सलाड वगैरह जो खाते हैं मील्स के साथ वो बहुत जरूरी है। द मोर यू ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द बेटर इट इज ऑलवेज फॉर यू, ठीक है? तो वो ध्यान में रखना है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, वो जो अमीनो एसिड्स वाला था न्यूट्रिएंट्स, यस अमीनो एसिड्स प्लस न्यूट्रिएंट्स, उसमें ऐसा ही था ना कि अमीनो एसिड्स सब प्रोटीन से बनते हैं और उसके नीचे देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन दैट, बीच में अमीनो एसिड लिखे हैं, चारों तरफ उसके यूजेस लिखे हैं, हेमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं, पिगमेंट्स बनाते हैं, केराटिन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे यूजेस दिए हैं। बट फिर सर प्रोटीन्स बनाते हैं और फिर वो प्रोटीन्स के यूजेस ही लिखने हैं ना? हाँ तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो अमीनो एसिड कहाँ यूज होता है? अमीनो एसिड रहेंगे तभी प्रोटीन रहेगा ना। So the question will be the uses of amino acids as nutrients. So you have to write this. Amino acids help in preparation of a large number of proteins which are used for so and so purposes. So aise flow chart bana ke bhi represent kar sakte and then you can explain or you can write point wise. Okay. Okay. And one more thing, this time abhi correction pura karta hu main. This time overall what I had seen compared to the previous paper that I had seen, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में सबका इम्प्रूवमेंट है एंड इट्स अ गुड थिंग, बट प्रेजेंटेशन में और बेटर करते रहना है। एंड मैं भी अभी तक टिप्स बताया नहीं हो तो उसका वो भी बताऊंगा, वॉट एवर वॉज पॉसिबल मैंने उस दिन मैसेज में भेज दिया था। ओके वॉट एवर फर्दर रिक्वायर्ड थिंग्स आर देयर आई विल शो यू ऑनलाइन आल्सो, ठीक है? बट अभी आप टेस्ट डायरेक्ट 3 वीक्स के बाद रखोगे? 3 4 वीक के बाद? 3 वीक्स व्हाई? तो हम लोग के स्कूल में सबको असाइनमेंट सब देके रख दिया एक साथ, अच्छी बात है ना? और बोल रहे 2 वीक नहीं तो पूरे दिन का दे रहे, पूरा दिन जा रहा है, पूरा दिन क्या ऐसा सबको है क्या असाइनमेंट्स? हाँ सबको, मडवी में जो है। So whatever is your majority opinion, because I feel ये टेस्ट लिखते हैं तो अच्छा यूज होता है, राइट? मुझे तो टेस्ट ही अच्छा लगता है। अच्छा असाइनमेंट मतलब क्या बोला है करने के लिए?
नोटबुक्स और कंप्लीट करने बोला है, फिर वर्कबुक्स भी कंप्लीट करने बोला है, और ऊपर से अलग से असाइनमेंट दिया है। और 200 पेजेस नोटबुक है तो वो पूरा असाइनमेंट रहेगा बुक में। ओनली 200 पेजेस ओनली? ओके तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, विल डू समथिंग। ठीक है, सो आई डू नॉट वांट टू बर्डन यू ऑल आल्सो, बट एट द सेम टाइम टेस्ट भी थोड़ा जरूरी है, बिकॉज़ एक-एक लेसन थोड़ा प्रिपरेशन भी होता जाता है ना तुम लोग का, राइट? सो विल डू समथिंग ऑन अ लाइटर नोट, लेट्स सी जैसा पॉसिबल होता है, आई टेल यू बाय टुनाइट। ठीक है, ओके ओके, एनीथिंग एल्स टू आस्क? विल कंटिन्यू विद द लेसन। आनंदिता, आज एकदम होलसेल में क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं अभी कुछ नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, चलो तो लेसन पहले कंप्लीट कर लेते हैं प्रीवियस वाला, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक आल्सो। तो लास्ट टाइम पार्चुरेशन हमने कंप्लीट कर दिया था, वी हैड सीन द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल बेबी, करेक्ट? उसके बाद हमने देखा एबनॉर्मल सिचुएशंस लाइक इन द फॉर्म ऑफ ट्विंस, ओके, दोनों टाइप के ट्विंस हमने देख लिए। देन उसके बाद वी हैड सीन अनफॉर्चुनेट कंडीशंस लाइक सीएमएस ट्विंस, करेक्ट? वो भी उसके रीजन वगैरह समझ गए, ओके? एंड उसके बाद वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडीज, आल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिसीजेस। So I had given you 4 examples. So just a brief idea ki sexually transmitted diseases kya hota hai, kaise hota hai, and how that can be prevented. Okay, some of them are curable, some of them are not yet curable. So the only best thing is to avoid them. Correct? And then uske baad humne discuss kiye the, we had started with artificial reproductive techniques. ARTs karke bolte hai. That means nowadays because of lot of disorders, because of changes in the lifestyle, bad conditions, so many factors are there. Due to which there are a lot of disorders in the reproductive system, and a normal couple are not able to bear a child at the right stage. So, उसके लिए assist करने के लिए there are techniques like we had seen artificial insemination. Okay, that means the semen with the sperms is collected from the male and that is injected into the vagina. That means there is no sexual intercourse or copulation, but the semen is deposited into the vagina through this artificial insemination. So this is not something the couple will do at home. Obviously, it is done by the professionals. Getting it? That is artificial insemination. Okay. Then next one, what we saw was IVF. जो बहुत common सुनने को आता है, test tube baby. Okay. So and नाम के हिसाब से we are told कि it is not the baby growing in the test tube. It is the zygote that is formed in the test tube, and then the zygote is implanted into the uterus. Which is followed by normal further pregnancy and growth. ठीक है, ये एक दूसरा नया टेक्निक आ गया। सो देर आर आई वी एफ क्लिनिक्स अवेलेबल, देर आर प्रोफेशनल्स हू एस्टैब्लिश देयर ओन क्लिनिक्स एंड हेल्प पीपल इन प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन चाइल्ड। ओके, एंड देन थर्ड टाइप इज सरोगेसी, हमने देखा था। सरोगेसी मतलब क्या? सम अदर फीमेल बेरिंग द चाइल्ड फॉर अनदर कपल इन अ प्रोफेशनल वे। ओके, सो ड्यू टू वेरियस रीजंस इफ द कपल इज नॉट एबल टू बेयर देयर ओन चाइल्ड, then a third female can assist them by renting the uterus. So unko payment वगैरह बराबर मिल जाते हैं, and at the same time proper care is taken. ऐसे mother को बोलते हैं surrogate mother. Okay? So what is your opinion about surrogacy? Is it a good thing कि technique ऐसा develop हुआ है करके? बोलो. Think from every point of view. It is completely. किसी के मजबूरी का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम कुछ रीजन ऐसे हो गए आजकल कि फीमेल्स दे आर मोर इन टू देयर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना चाहिए, जॉब और सब कुछ करना चाहिए, एंड दे शुड हैव ऑल द राइट टू प्रोसीड, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट नेग्लेक्ट देयर नेचुरल ड्यूटीज। ये भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज नेचर ने फीमेल को कुछ ड्यूटीज दिया वो मेल्स कभी नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग दे शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो मेनी केसेस ऐसे सुनने को आते हैं। बोलो सर, इसी मतलब इसी टेक्निक के ऊपर वो पिक्चर भी बेचते ना एक अक्षय कुमार का, गुड न्यूज करके। यस यस, अभी रिसेंटली आया था ना आईवीएफ के ऊपर, उसमें वो सीमेन सैंपल्स का स्वैप हो गया था।
किसी का सेम है यस राइट यस करेक्ट ओके तो एज फार एज सरोगेसी इज कंसर्न आई वाज टेलिंग कि मेनी केसेस इट हैपेंस कि द फीमेल स्पेशली लेट मैरिजेस होते हैं लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 25 टू 28 30 इज द राइट स्टेज फॉर अ फीमेल ओके बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट जो बोलते हैं बिकॉज गैमेट्स आर मोस्ट हेल्दी दैट टाइम एंड देर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ मोस्ट हेल्दी चाइल्ड उसके बाद में डिसऑर्डर्स होने के ज्यादा चांसेस है एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नॉट वेरी एफिशियंट इनफ सो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड तो कंसिडरिंग ओनली द लाइफ स्टाइल मतलब कोई हेल्थ का डिसऑर्डर नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल इफ दे डोंट वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट एंड दे ट्राई टू गो फॉर सरोगेसी एंड ऑल देन इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू सर इन दैट केस तो फिर अडॉप्ट कर लेना चाहिए ना या अडॉप्शन इज ऑलवेज गुड ना इतना ही करियर का ये होगा किसी को तो अडॉप्ट करना इज बेटर यस बट वही होता है कि हर डिसीजन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं करेक्ट देयर आर सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्वड राइट काफी सारी चीजें आ जाते हैं सो वन हैज टू थिंक इन अ मैच्योर वे इन अ रैशनल वे एंड देन टेक द डिसीजन करेक्ट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट ओके करियर भी इम्पॉर्टेंट है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है बट वॉट एवर हैपन्स इन द लाइफ एवरीथिंग शुड हैपन एट द राइट टाइम ये ज्यादा जरूरी है ठीक है एंड दिस इज एस्पेशली मोर फॉर द फीमेल्स बिकॉज द सिस्टम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड हॉर्मोनल इश्यूज होते हैं गैमेट्स के इश्यूज होते हैं एंड द फीमेल इज द वन हू हैव टू अल्टीमेटली बेयर द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो उनका सिस्टम एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहना चाहिए मेल्स एज फार एज दिस इज कंसर्न दे डू नॉट हैव सफर मच बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ इज टिल द एंड ऑफ द लाइफ ओके सो दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर देयर आर प्रॉब्लम्स विद द मेल ऑल्सो because of the lifestyle because of the pollution and all because of the stress factors the sperms are very badly affected oligospermia hote hai azoospermia karke hote hain okay aspermia karke hote hain bahut sare cases hain so in those cases the males are also having the problem and for that there is a system called sperm bank ya semen bank so where the sperm or the semen is collected and stored under very low temperature aise liquid nitrogen karke aate hain usme store kiya jata hai इसका टेम्परेचर होता है अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस सो द सीमेन और द स्पर्म्स आर स्टोर्ड अंडर दैट एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो ऐसे फैसिलिटीज होते हैं स्पर्म बैंक्स में वेर इट कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर ऑन इट कैन बी यूज ठीक है जैसे ब्लड बैंक होते हैं वैसे स्पर्म बैंक होते हैं ठीक है क्लियर विद दिस आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स एंड ऑल ओके तो इसका भी काफी सारे टेक्निक्स हैं बट एज पर योर सिलेबस दीज आर द फोर यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू नो नाउ वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ओके इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो उसके डिसऑर्डर्स भी देख लिए एसोसिएटेड डिसीजेस वगैरह स्टडी कर लिया बट स्टिल एज ऑफ नाउ बिकॉज यू आर हैविंग दिस साइंटिफिक अवेयरनेस फ्रॉम योर करिक्यूलम सो यू आर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस करेक्ट तो ये साइंटिफिक अवेयरनेस जो है आजकल ज्यादा बढ़ रहे हैं And that's a good thing, because it's always better you get the correct knowledge from the right source. Because prior kya hota tha compared to many decades earlier, this knowledge was not provided in a curriculum. It was not included as a part of the curriculum at all. So because of lack of awareness, because of lack of open communication, what happened was that there was some period in our country, jahan pe sabse bada problem ho gaya population explosion. What do you mean by the word population? How do you define the word population? What is population? This is not a new word for you. Population matlab kya? Prachi bolo. Prachi? What is population? Prachi, are you there? Yes, sir. Yeah, Prachi. What is population? Okay, Pranav. What is population? The number of people. That's it. The number of people living in a country or in a world, in the world, in a state. So if I ask you, what is the population of Dombivli? Yeah.
is possible, right? Yeah. Okay. See, when you tell the word population, मैंने सिर्फ population बोला, so we assume that we are talking about human beings. But the word population applies for every species. ठीक है, population का मतलब है generalized term में अगर बोलते हैं तो it is the number of individuals of a species living in a particular area. It can be a city, town, village, country, state, whatever. So we just say living in a particular area. But यहाँ पे complete नहीं होता है. Population जब बोलते हैं तो living in a particular area at a given time. ये भी mention करना जरूरी है. Because if I ask you कि what is the population of Dombivli, the question should be Dombivli का population कब? 2020 में या 1980 में? Getting it? So population, when you say, first thing, the number of individuals of a species, because when you say population, you are counting only a species. So I should ask you population of human beings, population of cow, population of coconut trees, okay, population of mango trees, population of crows. So har ek species ka population, only then it can be counted. Okay, so here we assume ki we are talking about human population. Okay, so the total number of people living in a particular area at a given time, usko hum log bolte hain human population. Is the term clear now? Okay, because if you just say number of people living in an area, so wo pura define nahi karte. Okay, and as far as population is concerned, human population, you know very well, India mein uska census liya jata hai. Population census. So after how many years is the population census taken? Census pata hai? Census ka matlab hai counting of the population, not only counting, uska pura data liya jata hai. When was the previous census taken? पहले वाला सेंसस कब लिया गया था? इट वॉज इन 2011 एंड दिस पॉपुलेशन सेंसस इज कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 इयर्स इन इंडिया. ठीक है, 2011 में हो चुका है, सो द नेक्स्ट वन दैट विल बी टेकन विल बी 2021. ओके, सो एवरी 10 इयर्स द पॉपुलेशन सेंसस इज डन. So there are people, two people allotted to every ward, and they will go to every house, and her family se pura information lenge. They have their format. So usme family mein kitne members hai, males kitne, females kitne, bacche kitne, sabka age puchenge. Okay, their qualification, their education, their health condition, okay, business wagera hai ki nahi, income kitna hai, everything will be asked. तो ऐसे करके पूरे एरिया का कंप्लीट पॉपुलेशन डेटा मिलता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग ऑफ पीपल. नंबर के साथ साथ दे आल्सो कम टू नो अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन, कि वो क्या स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का. व्हेन दे आस्क अबाउट द एजुकेशन तो उनको लिटरेसी का आइडिया मिलता है. व्हेन दे आस्क कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो पता चलता है कि फैमिली प्लानिंग का क्या सिचुएशन है. आई होप यू आर अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड फैमिली प्लानिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली प्लानिंग? Yes, this is also associated with the reproduction. Family planning means what? It means a decision taken by the couple to decide how many children should be required, and they plan it accordingly. So it is always a mature decision based on many conditions. कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसा है, कि वॉट एवर इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, विल दे बी एबल टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद ऑल द रिसोर्सेज फॉर लाइफ, वो ध्यान में रख के व्हेन दे प्लान इट उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग. एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू. मैच्योर साइंटिफिक तरीके से वही सही है. एंड दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम विच वॉज नॉट एग्जिस्टेंट इन द अर्लियर डिकेड्स. एंड दैट्स द रीजन इन इंडिया वी आर सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये ग्राफ देखो, इसमें अंदाजा मिलेगा. 2017 के हिसाब से ये ग्राफ है. ओके, सो हियर यू कैन सी, इफ यू सी फ्रॉम द 1800s उस टाइम से. ओके, दिस वाज
पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके तो 1800s में देखो कितना है एंड एक सी आफ्टर द 1950s, 1950 के बाद देखो क्या हो गया, इंडिया कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया। मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट अभी जो क्या 2020 चल रहा, तो दैट मीन्स समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। राइट नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना, करेक्ट, बट इंडियंस देखो कितने हार्ड वर्किंग, गेटिंग इट, ओके, सो वी आर गोइंग टू ओवरटेक देम वेरी सून। हमें हर चीज में नंबर वन रहना है कि नहीं, ओके, सो वी आर गोइंग टू ओवरटेक एंड ऐसा प्रेडिक्टेड है। पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ओके, डेमोग्राफी करके बोला जाता है। तो डेमोग्राफिस्ट आर प्रेडिक्टिंग दैट अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेचर नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि इससे ज्यादा वो नहीं झेल पाएंगे, तो देन इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिड्यूस अगेन। तो वह ऐसा प्रेडिक्टेड है कि बाई 2100 दोनों में पॉपुलेशन में ऐसा गिराव होने का चांसेस है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पीक, ओके, बट ये जो पीरियड है 1950 से लेकर ऑलमोस्ट टिल नाउ जो ग्राफ एकदम से बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, सडन एक्सप्लोजन इन द पॉपुलेशन, दैट मीन्स वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट वी गॉट। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला एंड इंडिपेंडेंस के बाद लोग इतने खुश हो गए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो गया, गेटिंग इट, सो दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कॉजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर नाउ, ठीक है, ओके। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के क्या रीजंस है, देयर इज अ टेबल गिवन इन योर लेसन इन द टेक्स्ट बुक जिसमें वो फिगर्स दिया हुआ है कि पॉपुलेशन कितना कितना है करके, ओके, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू लर्न देम बट दैट फिगर्स विल गिव यू एन आइडिया कि पॉपुलेशन किस रेट में बढ़ा है, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड सो मच, व्हाट कैन बी द रीजंस, इंडिया में अगर देखा जाए तो व्हाई पॉपुलेशन हैज इंक्रीज सो मच ड्रास्टिकली इन दिस 50 इयर्स, बताओ। किसी फैमिली में अगर गर्ल्स पैदा हो रहे तो तभी के टाइम में अवेयरनेस नहीं था इसलिए बॉयज चाहिए थे, तो जब तक बॉयज पैदा नहीं होते तो वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली रखता था, वेरी गुड, दैट मींस द वुमेन वर कंसीडर्ड टू बी फैक्ट्रीज, कि बस जब तक लड़का नहीं होता है कोशिश करते रहना है, करेक्ट। व्हाट इज द अदर रीजन, एनी अदर रीजन बियॉन्ड वीडियो, एवरीवन इंटरेक्शन करने में तभी मजा आता है। अनएम्प्लॉयमेंट, यस करेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं था, इलिटरेसी नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, सो दे हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, गेटिंग इट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। सो ये देखते जाओ रीजंस, फर्स्ट थिंग राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी बिल्डअप होते चला गया, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते चले गया, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल वेर एबल टू बेयर मोर चिल्ड्रन, दे वर एबल टू एफोर्ड देम, ओके। देन नेक्स्ट रीजन वॉज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से क्या हो गया, डेथ रेट कम हो गया, तो डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन वॉज ऑन द हायर साइड, पहले इतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं था बिल्कुल, डायग्नोसिस वगैरह करने के लिए भी इतने फैसिलिटीज नहीं थे, ओके, सो दैट वाज अनदर रीजन। देन इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, इसलिए बाद में कुछ डिकेड्स पहले से शुरू हुआ कि वुमेन शुड बी मेड अवेयर फर्स्ट, उनका एजुकेशन उनका लिटरेसी अच्छे से होना जरूरी है, बिकॉज ओनली अ वुमेन कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल, दे वर कम्प्लीटली इलिटरेट, so even when there were many children one after the other the woman never had the right to say no, wo hota hi nahi tha bilkul, okay, and then early marriage, as far as marriage is concerned, bearing children is concerned, too early is also bad, too late is also bad, there is always the right age, so pehle bahut young age mein shaadi ho jata tha, so bahut hi young age mein parents ka pregnancy ho gaya, so there was enough scope and time for bearing more children, okay, then desire for a male child, as you said,
ओके okay, कि मेल चाहिए बोल के एक के साथ एक 8 फीमेल हो गए, उनको कोई ध्यान नहीं दिया, पॉपुलेशन बढ़ गया, करेक्ट। एंड फीमेल्स इतने सारे हो जाते थे तो उनका अर्ली मैरिज कर देते, तो अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूड लाइक अ चेन रिएक्शन, राइट। एंड माइग्रेशन, कि पॉपुलेशन जो है ना, इन आवर कंट्री वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट दैट पॉपुलेशन इज नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली पूरे कंट्री में। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि चाइना में पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट है पॉपुलेशन, तो इसलिए वहां पे पॉपुलेशन से बेटर वर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स, कि उनका सही यूज हो रहा है पॉपुलेशन का, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली फॉर द कंट्री। यहाँ पे ऐसा नहीं, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल ओवर हियर आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, सो दे आर नथिंग बट अ बर्डन टू द रिसोर्सेस। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है अपने कंट्री का, बट इट इज इम्प्रूविंग। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ कपल इज बेयरिंग इज रिड्यूसिंग अगेन। पहले ऐसा नहीं था, पहले 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते थे, अभी बहुत रेयरली ऐसा केसेस हो रहा है। अर्ली मैरिज हैज स्टॉप्ड, ओके, पीपल आर इनफैक्ट अभी लेट मैरिज हो गया, करेक्ट। देन डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड हैज रिड्यूस्ड नाउ, है अभी भी पूरी तरह गया नहीं है, बट स्टिल इट हैज रिड्यूस्ड नाउ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, ओके। तो माइग्रेशन हो जाता है कि गांव से लोग हमेशा शहर में आते हैं, तो पॉपुलेशन इन द विलेजेस आर लीस्ट, दे आर नॉट फेसिंग मच प्रॉब्लम, बट सिटीज में प्रेशर बढ़ गया। एंड आवर वेरी ओन सिटी इज द बेस्ट एग्जांपल, हर जगह देखो गर्दी गर्दी, हर जगह कंपटीशन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। टू अंडरस्टूड द रीजंस प्रॉपरली एंड व्हाई पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड थ्रू आउट दीज इयर्स, ठीक है। तो अभी इतना सारा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू फेस इफ द पॉपुलेशन इज सो मच, बोलो। नेचुरल रिसोर्सेस सबको नहीं मिल सकता, बेसिक रिसोर्सेस, यस, द बेसिक नीड्स ऑफ मैन दैट वी से फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, देयर इज इनफ कंपटीशन इन दैट, करेक्ट। देन नेचर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ट्रीज कट करने पड़ रहे हैं, बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ाना पड़ रहा है। बॉम्बे में देखो पहले एक टाइम था जब ये टिटवाला बदलापुर एंड ऑल वाज नथिंग, जंगल था, अभी वहां कितना डेवलपमेंट हो गया। द रीजन इज देयर आर मोर एंड मोर पीपल कमिंग टू द सिटी, एंड बॉम्बे साउथ साइड इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, तो इस तरफ अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जंगल काटे जा रहे हैं, सो डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, करेक्ट। देन increase in slums, yes, unplanned development, unhygienic conditions, unplanned development, uske wajah se bimari wagaire jaldi phail rahe hain, abhi Bombay jaise city mein corona kyu phatafat phail rahe hain, because of population, everywhere there is crowding, hai ki nahi, right, so that is another problem, and the other major problem is that every sector you face competition। अभी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद इवन इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 90% स्टिल यू आर डाउटफुल, मुझे चाहिए वो कॉलेज में मिलेगा कि नहीं। द रीजन इज पॉपुलेशन, बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू हु विल बी गेटिंग अबाउट 90%, तो कट ऑफ देखो कितना है हो गया। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल व्हेन दे यूज्ड टू ग्रेजुएट एंड विद जस्ट 70% और समथिंग, तो जॉब लेने के लिए घर आते थे लोग। अभी बहुत हाई लेवल का एजुकेशन करके भी लोग घर पे बैठे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज कंपटीशन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये सब इल इफेक्ट्स है, सो दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस हैज टू बी देयर, एंड देयर शुड बी डिफरेंट मेथड्स फॉलोड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स वगैरह पॉसिबल है, अवेयरनेस होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड ओनली देन द पॉपुलेशन कैन बी ब्रॉट टू अ लिमिटेड स्टेज, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में इतना ही डिस्कशन था एज फॉर द टेक्स्ट बुक, ओके, एंड दिस लेसन इज एज ऑफ नाउ डन। एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? सर, चाइना में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल बनाया ना कि दो चाइल्ड से ज्यादा नहीं, दो नहीं होना चाहिए, यस। अभी इंडिया में अभी तक ऐसा रूल स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जगह पर ऐसा भी है कि लाइक दे आर नॉट फॉलोइंग दिस, ओके। यहाँ पे हम दो हमारे दो करके बोलते तो हैं, बट वो हम दो हमारे दो करने के चक्कर में हम दो हमारे 10 भी हो जाते हैं, ओके।
सो इट हैज टू बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड की अच्छा वन मिनट द कॉल कैन गेट कट एनी टाइम तो रीजॉइन करो फिर ठीक है लास्ट एक मिनट कुछ बचा होगा ओके या सो द गवर्नमेंट शुड बी क्लियरिंग अ रूल की दे एवरी कपल शुड हैव टू फॉलो दैट ओके एंड आइडियली टू पीपल टू चिल्ड्रन आर द बेस्ट and that too with proper spacing between them minimum there should be a gap of 3 years of age between the two children that is the best and the healthiest way to have children and that is the reason the first child should be done at the right age on a second child ke liye fir age late ho jayega to aur bhi problem because when there are siblings their growth is also proper rather than being alone ye bhi dekha gaya so these things also matter okay better growth and better emotional development ye sab bhi bahut zaruri hai So all these are taken to be taken into account biologically. ठीक है? समझा अच्छी तरह से?